मथुरा में महामानव महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती के उपलक्ष में क्षत्रिय राजपूत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विशाल महाराणा प्रताप शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा और आसपास के प्रांतों के क्षत्रिय बंधुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा में जहां महाराणा प्रताप जी की भव्य प्रतिमा के आगे लोग चल रहे थे, तो वहीं भामाशाह जी की अतुलनीय योगदान भी सभी की जुबा पर था। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप जी का देश के प्रति योगदान को सभी ने याद किया। सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि महाराणा प्रताप जी ने वीरता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है। उन्होंने जिन परिस्थितियों में संघर्ष किया वह काफी जटिल थी, परंतु उन्होंने कभी हार ना मानी। उन्होंने बताया कि यदि क्षत्रियों को इतिहास से सम्मानपूर्ण स्थान मिल सका तो इसका श्रेय मुख्यतः महाराणा प्रताप जी को जाता है। क्षत्रिय राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा शोभा यात्रा में पधारे सभी क्षत्रिय बंधुओं का और आगंतुकों का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा में महाराणा प्रताप जी के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान की शान हिंदू सम्राट महाराणा प्रताप सुबह का आयोजन आज जो किया जा रहा है, यह आयोजन अब 50वीं वर्ष क्षत्रिय महल विमल सोसाइटी द्वारा किया जाता है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रदेश के सभी जनों से भाग लेते हैं और अपने वीर सपूत महाराणा प्रताप को याद करते हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने नौछावर किया और उसी को लेकर के उनकी याद में क्षत्रिय लोग यहाँ एकत्र होते हैं और उनको याद करते हैं। सर, मैं कैप्टन आर बी सिंह चौहान, मैं नेवडा से आया हूँ और मैं भारतीय किसान यूनियन भानु में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संजीव प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर महाराणा प्रताप जी ना होते तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। ये 100% राइट है कि महाराणा प्रताप जी ने समाज के लिए, आप बोल रहे हैं कृपाण, जैसे हमारे सरदार भाई कृपाण रख रहे हैं, तो हिंदुस्तान के जो क्षत्रिय है उनको हथियार रखना अनिवार्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि मुझे अपना नहीं अपने समाज की रक्षा करनी है, अपने गरीब भाई छत्तीसगढ़ के लोगों की रक्षा करनी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि हर छत्री के पास एक हथियार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि मुझे छत्तीसगढ़ की रक्षा करनी है भाई साहब। और आप जितना क्वेश्चन करें मैं उसका 100% जवाब दूंगा। मैं आर्मी से कैप्टन आया हूँ और मैं छत्री समाज में क्या आके मैं मथुरा के जन्मभूमि में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर कह रहा हूँ आपसे कि अगर महाराणा प्रताप जी न होते तो ये हिंदुस्तान नहीं होता। जय भवानी, जय भवानी, जय उदना, जय महाराणा। 100% बात कर रहे होते अगर महाराणा प्रताप न होते। और सभी गाँव के इतिहास से आस पास के जिलों से समाज लोग शामिल है, किसान शामिल है, शामिल है, क्षत्रिय समाज जो बीच में थोड़ा सुस्त हो गया था, दोबारा से एक्टिव होने का समय आ गया। जब जब बुराई बढ़ जाती है तब तक समाज में धर्म की स्थापना के लिए क्षत्रिय लोग ही अपनी कुर्बानी देते हैं। आगे आते हैं, आज आप देखते हैं जो गाँव में संविधान और एक्टों के द्वारा अपना संरक्षण पा रही है वह क्षत्रिय समाज को गाली देने का प्रयास कर रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ने इस तरीके के जातिगत लोगों के और लगाम को नहीं कसा तो वो दूर नहीं। क्षत्रिय इस तरीके के लोगों की जवाब जानते हैं। अभी आप देखते हैं प्रद्युषण शरण सिंह, जो कि एक हमारे क्षत्रियों के गौरव है और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, उनके खिलाफ जिस तरीके से उल्टा सीधा मामला लगा के और मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है। पूरा क्षत्रिय समाज प्रद्युषण शरण सिंह जी के साथ है और इस तरीके के कुचक्र क्षत्रियों के खिलाफ हर युग में होते रहे और उन्होंने इन सब कुचक्रों को काट कर धर्म की स्थापना की है। जय हिंद, जय भारत। आप उन क्षत्रियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो पहलवान क्षत्रिय हैं और विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो उनके समर्थन में जा रहे हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, बस पार्टी विशेष का विरोध करने के लिए वो उधर एकजुट है और वो उस तरीके का एक संगठन है। जब भी सरकार का विरोध करना हो, भाजपा का करना हो, मोदी जी का करना, तो पूरी टीम वहीं पहुँच जाती है। सच्चाई की गहराई में नजर। आज आप नोएडा से आए हूँ, वैसे मेरा जन्म स्थान तो मथुरा है और मैं लंबे समय से नोएडा रहता हूँ, पर जहाँ जन्मभूमि है, जहाँ श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया वहाँ हमें भी मिला, ये हमारा सौभाग्य है। मैं वास्तव में आपके कैमरामैन से कहूँगा ये सब दिखाएं, ये महाराणा प्रताप जी है। शोभा यात्रा हर साल बड़े तरीके से निकालते हैं।
रणपाल सिंह, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे पत्रकार भाई इन सबको दिखाएं कि हम सब सनातन को बचाने वाले ये मथुरा लोग। जैसा कि अभी आपके द्वारा ही आपके पदाधिकारियों द्वारा ही बताया गया कि हर क्षत्रिय को एक शस्त्र रखना चाहिए, तो आप इससे क्या सही कहा उन्होंने, मैं उनका समर्थन करता हूँ। जैसे एक हमारे हिंदुस्तान में सरदार भाई है जो वो भी क्षत्रिय है, पर त्रिकोण रखने का जब अधिकार मिला हुआ है, तो हम भी चाहेंगे आज की सरकार से और प्रशासन से क्षत्रियों को भी मंगलवार रखने का अधिकार दिया जाए। तो हम शस्त्र की मांग आप जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? इसलिए शस्त्र अपने अंग के रक्षा के लिए होता है, ना कि कोई उसका दुष्प्रचार करना है या उसका कोई गलत व्यवहार करना है। नहीं, हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जैसे हमारे सरदार भाई रखते हैं, उस तरह से हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। क्षत्रिय गांव का एक संगठन है, उनके द्वारा और हमारे मंत्रिमंडल क्षत्रिय राज में समाज जितने भी संगठन है उन सबके द्वारा सरदर्द छुपाओ नहीं मिटाओ। न्यू सैराडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। एक्सेल 100 नहीं, टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज, ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। नई टीवीएस एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। मेहरबान कदरदान साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पन फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं खुशियाँ बढ़ती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।